दोस्तों वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 के ऑक्शन से जुड़ी सभी जानकारी बीसीसीआई ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है, जहां वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 के ऑक्शन में 409 प्लेयर हिस्सा ले रहे हैं। तो वही वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का ऑक्शन कौन सी तारीख को किस वेन्यू पर कितने बजे से स्टार्ट होगा, मोबाइल में और टीवी पर आप लाइव कैसे देखो पाएंगे, कितने स्लॉट अवेलेबल है, कितने प्लेयर इंडियन है जो वुमेन्स प्रीमियर लीग ऑक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो रहने वाली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों आईपीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेयर्स की, तो वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 के ऑक्शन में टोटल 409 प्लेयर्स हैं जो हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 246 इंडियन प्लेयर हैं, 163 ओवरसीज प्लेयर शामिल है, 202 कैप्ड प्लेयर हैं, 199 अनकैप्ड है और 8 एसोसिएट प्लेयर शामिल है, और टोटल स्लॉट की बात करें तो 90 स्लॉट अवेलेबल है जिनमें 30 ओवरसीज स्लॉट शामिल है। वहीं 24 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी बेस प्राइस 50 लाख रुपीज रहने वाली है, तो वहीं 30 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी बेस प्राइस 40 लाख रुपीज रहने वाली है। वहीं अब बात करते हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 के ऑक्शन की, तो वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का ऑक्शन जो रहने वाला है 13 फरवरी को रहने वाला है, 13 फरवरी को मुंबई में कंडक्ट कराया जाएगा, और इंडिया के टाइम अनुसार वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का ऑक्शन दोपहर को 2:30 बजे से यानी कि 2:30 पे स्टार्ट होगा। करते हैं लाइव की, तो टीवी पर स्पोर्ट 18 चैनल है जो लाइव टेलीकास्ट करने वाला है। स्पोर्ट 18 की मदद से वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 के ऑक्शन का लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलने वाला है। मोबाइल में लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा एप्लीकेशन का, जिनकी मदद से वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 के ऑक्शन का लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएंगे। इसके अलावा पल पल की अपडेट हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर देंगे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं सभी टीमों के पर्स बैलेंस की, तो सभी पांचों टीमों का जो पर्स बैलेंस रहने वाला है 12-12 करोड़ रुपीज रहने वाला है, और इस 12 करोड़ रुपीज में मैक्सिमम 18 प्लेयर परचेस कर सकती हैं सभी टीमें। तो आपको क्या लगता है कौन सा बड़ा प्लेयर रहेगा जिन पर सबसे बड़ी बोली ऑक्शन में लगने वाली है, क्या वो स्मृति मंदाना रहेंगे, शेफाली वर्मा या फिर कोई और प्लेयर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।